आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक ऐसे जबरदस्त इंसान, इतने ज्यादा इंटेलिजेंट, आईक्यू लेवल बहुत ऊपर, 145 स्कोर था भैया इनका आईक्यू, एडवर्ड स्नोडेन की। दोस्तों एडवर्ड स्नोडेन ने बैंड बजा दी थी अमेरिका की, दुनिया के सबसे ताकतवर देश से इन्होंने भी पंगा लिया था। ये विसल ब्लोअर हैं। विसल ब्लोअर क्या होता है? सीटी बजाने वाले, वो लोग जो वो चीजें पब्लिक में लाते हैं जिससे पब्लिक को फायदा हो। सरकार अगर कोई दुरुपयोग कर रही है, आपके इंफॉर्मेशंस का दुरुपयोग कर रही है, स्कैंडल्स हो रहे हैं, तो वो सारी चीजें सामने लेके आएंगे पब्लिक के, उनको बोलते हैं विसल ब्लोअर। और ये बहुत टाइम से स्टार्ट है दोस्तों, आपको पता ही है कि हाल ही में जूलियन एसांजे को अरेस्ट किया गया। जूलियन एसांजे की मैंने बायोग्राफी कवर की है, विकी लीक्स के फाउंडर थे, वो भी विसल ब्लोअर थे। तो आज हम एडवर्ड स्नोडेन की बात करेंगे। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने ये बोला था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये बोला था कि सर एडवर्ड स्नोडेन की बायोग्राफी कवर कीजिए। तो एडवर्ड स्नोडेन की बायोग्राफी आपके सामने हाजिर है। इनके बारे में एक बहुत ही बड़ी चीज फेमस है कि अगर आपका फोन स्विच ऑफ हो तो ये आपके फोन को हैक करके, उसको स्विच ऑन करके उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। मतलब आपके फोन के पूरा कंट्रोल जो है वो एडवर्ड स्नोडेन के हाथ में रहता है। ये इतने ज्यादा टैलेंटेड हैं, स्विच ऑफ फोन को स्विच ऑन करके ये यूज कर सकते हैं। लेकिन खैर दोस्तों, ये सारी चीजें जो हैं वो ऐसा होता है, वैसे मैं बता दूं ऐसा हो सकता है अगर फोन की हैकिंग हो जाए तो ठीक है, अगर हैकिंग नहीं होती है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हैकिंग कैसे होती है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि किस तरीके से हैकिंग की जाती है, और आपको सतर्क रहने की वैसे बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि आज के टेक्निकल जमाने में इंफॉर्मेशन तो ऐसे फैल रही है कि क्या बताएं, हर किसी के पास इंफॉर्मेशन आप आज के डेट में बहुत इजीली अवेलेबल है। तो सतर्क रहने की दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरत है। तो एडवर्ड स्नोडेन की आज हम बायोग्राफी को देखेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। sid_eConnect मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह आप सवाल पूछ सकते हैं, लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं। दोस्तों मेरी फ्रेंड लिमिट एग्जॉस्ट हो चुकी है काफी टाइम पहले, तो मैं अब और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो बहुत से स्टूडेंट सवाल नहीं पूछते हैं। ये मत सोचिए कि मैं सवाल का आंसर नहीं दूंगा क्योंकि मैंने आपको एज अ फ्रेंड एक्सेप्ट नहीं किया। आप सवाल पूछते रहिए, जो भी डाउट है पूछते रहिए, मैं और एक्सेप्ट नहीं कर सकता रिक्वेस्ट। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और फॉलो करेंगे तो मेरी पोस्ट आप तक पहुंच जाएगी, आप मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सवाल पूछिए, इसमें बिल्कुल भी मत कतराइए। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेस हर एग्जाम्स के लिए आते हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए और घर बैठ के आराम से एग्जाम की तैयारी करिए और ड्रीम जॉब निकालिए। तो भैया एडवर्ड जोसेफ स्नोडेन का जन्म तब हुआ था जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट का, 1983 21 जून में इनका जन्म हुआ था। और अमेरिकी है, अमेरिकी नागरिक है, अमेरिकन है लिए, तो जिस देश में पैदा हुए उसी देश की इन्होंने बैंड बजानी शुरू कर दी। लेकिन आपको बता दूं कि ऐसे ही इन्होंने ये सारी चीजें नहीं की। जो इंसान देश के लिए अच्छा सोचता है वो ऐसा नहीं कि हर चीज, कोई भी बुरी चीज बर्दाश्त कर लेगा। अगर कोई चीज खराब हो रही है तो वो पब्लिक के सामने बिल्कुल आने चाहिए, और इन जैसे कुछ हीरोज की वजह से पब्लिक अवेयर हो जाती है, ठीक है ना। वरना तो सरकार क्या गड़बड़ झाले करती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो यही चाहती है कि पूरा कंट्रोल उनके हाथ में रहे, और कंट्रोल लेने के चक्कर में वो कभी कभी काफी इलीगल चीजें कर जाते हैं। तो अमेरिका ने क्या इलीगल, गैर कानूनी चीजें की, वो एडवर्ड स्नोडेन ने बता दिया था। तो ये एक अमेरिकन है और इस समय रशिया में पॉलिटिकल असाइलम इन्होंने ली हुई है, रशिया ने इनको अपने पास रखा है। अगर रशिया से बाहर गए ये तो अमेरिका इनको पकड़ लेगा और अमेरिका फिर इन पे चार्जेस चलाएगा, क्योंकि इन पे बहुत गंभीर चार्जेस है, सरकार से बढ़ गए ना, ये सीधे सरकार से बढ़ गए हैं। वहां की जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है अमेरिका की, उससे भिड़े हुए हैं। तो इन्होंने एनएसए के लिए काम किया, CIA के लिए काम किया, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, वही CIA जिसने पूरी दुनिया में अशांति फैला दी है, और उसके बाद बोल रहा है कि हम ही सही करेंगे सब कुछ। तो ऐसा तो है अमेरिका, तो ये सारी चीजें हैं। तो NSA के लिए इन्होंने काम किया, फिर डेल के लिए काम किया, सरकारी फाइलों को हैंडल किया, डेटाज इकट्ठा किए, ढेर सारी फाइलें इकट्ठा की और एकदम से पूरी दुनिया में फैला दी और फिर भाग गए। तो इस तरीके से एडवर्ड स्नोडेन ने काम किया था। इनका जन्म 21 जून 1983 में नॉर्थ कैरोलिना में हुआ था, जो कि अमेरिका में है। स्नोडेन के फादर लॉनी एक ऑफिसर रहे हैं, अमेरिका में एक ऑफिसर रहे हैं,
यूएस कोस्ट गार्ड के, ठीक है, तो भैया नेवी में इन्होंने काम किया है। इनकी माताजी एलिजाबेथ यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्लर्क रही हैं, और एडवर्ड स्नोडन इनके बेटे। इनकी जो बड़ी बहन है जेसिका, वो एक लॉयर है, वो भी वॉशिंगटन डीसी में एक अच्छी प्रोमिनेंट लॉयर है। लेकिन एडवर्ड स्नोडन इतने ज्यादा खुराफाती, आपको बता दूं कि एडवर्ड स्नोडन के पास कोई डिग्री नहीं है, मतलब एक कॉलेज ड्रॉप आउट है एडवर्ड स्नोडन की। हमने देखा था बिल गेट्स भी कॉलेज ड्रॉप आउट, मार्क जकरबर्ग भी कॉलेज ड्रॉप आउट। मार्क जकरबर्ग की बायोग्राफी हालांकि मैंने नहीं कवर की है, फेसबुक के जो फाउंडर है मार्क जकरबर्ग, मैं उनकी बायोग्राफी कवर करूंगा। लेकिन अगर आपको उनके बारे में जानना है तो एक मूवी है द सोशल नेटवर्क, वो जरूर देख लीजिए, मजा आ जाएगी आपको, बहुत जबरदस्त मूवी है, उसमें मार्क जकरबर्ग के बारे में बताया गया है। जूलियन एसांजे, कॉलेज ड्रॉप आउट, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, तो अगर आप इन सारे लोगों को देखे तो कॉलेज ड्रॉप आउट है भैया। लेकिन बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, रतन टाटा हो गए, वॉरेन बुफे हो गए, ये कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं है, ठीक है ना। तो अगर 100%, मतलब अगर 100 लोग हैं तो उनमें से आपको बहुत ही कम मिलेंगे जो कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, बाकी सबने कॉलेज पूरा किया है, अपनी एजुकेशन पूरी की है। तो प्लीज जोश में अपने कॉलेज मत छोड़ दीजिएगा और पढ़ाई मत छोड़ दीजिएगा, पढ़ाई अपनी पूरी कीजिए, उसके बाद जो करना है करिए, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब दोस्तों इनकी जो शुरुआती पढ़ाई है वो यहीं पे ही हुई, लेकिन उसके बाद जब ये कॉलेज में पढ़ने गए तो कंप्यूटर में इनका खासा इंटरेस्ट था। इन्होंने एक साथ बहुत सारी चीजें की, हालांकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन्होंने बहुत सारी चीजों में ली है। मैंडरिन चाइनीज बोलते हैं ये, मुझे मैंडरिन चाइनीज आती है। मार्शल आर्ट्स इन्होंने सीखा है, जापानी का एक कोर्स किया है इन्होंने, बुद्धिज्म इन्होंने पढ़ाई की है। तो ऐसा बोला जाता है और ऐसा ये खुद भी कहते हैं कि मुझे काफी महारत हासिल है। हालांकि इनके पास कोई अंडर ग्रेजुएट कॉलेज डिग्री नहीं है, लेकिन कंप्यूटर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा है, साइबर एक्सपर्ट रहे हैं ये, हैकिंग इन्होंने पूरा कोर्स किया है, सीखा है, इसीलिए इनको एक साइबर एक्सपर्ट भी बोला जाता है, हैकिंग एक्सपर्ट भी बोला जाता है, और इसीलिए इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम भी दिए गए। 2004 में एकदम से इनकी देशभक्ति जागी और उन्होंने बोला कि मैं इराक वॉर में जाऊंगा और वहां पे जो लोग परेशान है उनकी हेल्प करूंगा। लेकिन वहां पे जो ट्रेनिंग होती है उससे पहले, भाई इराक में वॉर की सिचुएशन थी दोस्तों, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम मैंने पूरा कवर किया है, अफगानिस्तान इराक में क्या कंडीशन है, ऑपरेशन रेड डॉन कवर किया है, आप देख लीजिएगा आपको पूरा पता चल जाएगा कि क्या हुआ था। ट्विन टावर के गिरने के बाद, 9/11 के बाद चीजें बिल्कुल बदल गई थी, तो वो सब मैंने कवर किया, आप देख लीजिएगा। तो यहां पे इराक में मुझे जाना है, इससे पहले इनको ट्रेनिंग करनी थी, लेकिन ट्रेनिंग में ही इनकी दोनों टांगे टूट गई, इसलिए ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाए, और ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाए तो इराक नहीं जा पाए, और इराक नहीं जा पाए तो भैया अमेरिका में ही रह के ये काम करने लगे। उसके बाद दोस्तों इन्होंने हैकिंग सीखी थी, कंप्यूटर की बहुत ही जबरदस्त नॉलेज थी, इंटेलिजेंट तो गजब थे ये, आईक्यू बहुत अच्छा था। इन्होंने फिर CIA ज्वाइन किया दोस्तों, CIA नहीं, इनको ऑफर किया था और CIA इन्होंने ज्वाइन किया दोस्तों। इन पे एक मूवी भी बनी है स्नोडन, मैंने वो मूवी नहीं देखी है, मुझे देखनी है, लेकिन बड़ी तारीफ सुनी है। तो एडवर्ड स्नोडन की आप मूवी भी देख सकते हैं, शायद स्नोडन ही उस मूवी का नाम है। तो यहां पे दोस्तों जब इन्होंने CIA 2007 में ज्वाइन किया तो CIA ने इनको स्विट्जरलैंड भेजा, जेनेवा भेजा, ठीक है, स्विट्जरलैंड की कैपिटल जेनेवा है, तो वहां पे जेनेवा गए और बड़ी बढ़िया लाइफ इन्होंने जी। बहुत ज्यादा उम्र तो थी नहीं दोस्तों, इन्होंने कितने साल के थे, 24 साल के ही तो थे ना, तो 24 साल की उम्र में भैया ये चले गए जेनेवा, वहां पे ये काम करने लगे। लेकिन जब इन्होंने CIA के साथ काम करना शुरू किया दोस्तों, तब इनको गड़बड़ झाले का पता लगने लगा। CIA और अमेरिका इस तरीके से काम कर रहा था जो बिल्कुल अनएथिकल था। यहां पे ये भी बोला जाता है कि, मतलब एडवर्ड स्नोडेन का ही ये कहना है कि स्विस बैंक से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, अब स्विस बैंक बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्शियल बैंक है दोस्तों, आपको पता ही है कि सारा काला पैसा उठा के स्विस बैंक में रख दो, किसी को कुछ पता नहीं चलता और वो बैंक आपको कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं देगा, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, मशक्कत करनी पड़ती है देशों को। तो यहां पे अमेरिका ने क्या किया था, इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए एक स्विस बैंक के एम्प्लॉय को शराब पिला दी थी और वो झूमता नाचता गाता गया और इंफॉर्मेशन बताता गया। बहुत ही अनएथिकल तरीके से अमेरिका काम कर रही थी, CIA काम कर रहा था, ये बोलना था पर्दे के पीछे ये सब कुछ होता है, ये बोलना था एडवर्ड स्नोडेन का कि अमेरिकी ऑफिशियल्स ने स्विस पुलिस को
रिश्वत दी है, बहुत ब्राइब किया है ताकि सारी इंफॉर्मेशन जो है वो निकल सके। तो यहां पे एडवर्ड स्नोडन खुश नहीं थे। कुछ भी कहिए दोस्तों, लेकिन आप एथिक्स ऑफ एडवर्ड स्नोडन इस पे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। एडवर्ड स्नोडन को पता था कि कितना ज्यादा खतरा है। आपको बता दूं कि ये जो इनका आइडिया आया कि सारी फाइलें इकट्ठा करके लीक कर दो, ये जो आइडिया था ये 2007 से पहले से इनके मन में था। लेकिन जब ये आए सरकार के अंदर आए, तब इन्होंने इस पे काम करना शुरू किया। और उसके बाद एक बार जब काम करना शुरू किया तब बहुत हालत खराब कर दी। तो यहां पे दोस्तों 2009 में इन्होंने डेल ज्वाइन की। ठीक है, डेल आपको पता ही है, डेल कंपनी जो है बहुत बड़ी कंप्यूटर की कंपनी है। डेल एज अ कॉन्ट्रैक्टर इन्होंने ज्वाइन किया और ये गवर्नमेंट सिस्टम्स को मैनेज करती थी, जितने भी गवर्नमेंट के कंप्यूटर्स है ना उसको मैनेज करती थी। 2009 से 2013 तक इन्होंने डेल में काम किया और 2013 के बाद से ही ये निकल गए हांगकांग और फिर रशिया चले गए। वहां पे इन्होंने पॉलिटिकल असाइलम ले ली। इन्होंने पूरा प्लान किया कि किस तरीके से मुझे ये सारी चीजें करनी है, क्योंकि जब ये CIA के साथ काम कर रहे थे तो इनको ये तो पता चल गया था कि यह बहुत बड़ी गड़बड़ है, लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन को यूज किया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों जब ये डेल में काम कर रहे थे तो इनकी इमेज बहुत ऊपर चली गई। ये बड़े ही इंटेलिजेंट, ये बताते थे कि जो चाइनीज कंप्यूटर्स है, जो चाइनीज हैकर्स हैं, उनसे कैसे अपने सिस्टम्स को बचाया जाए। तो काफी लोग इनकी इज्जत करने लगे और 2009 से 2013 तक इन्होंने डेल में काम किया, जो कि अगेन सरकारी कंप्यूटर सरकारी सिस्टम मैनेज करती थी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे इनको एज अ साइबर स्ट्रेटजिस्ट बोला जाता था कि साइबर के एक्सपर्ट है। मैंने बताया ना कि भैया किस तरीके से ये हैकिंग करते, इनके बारे में मशहूर है कि आपका फोन स्विच ऑफ है तो ये खुद स्विच ऑन करके उसको कंट्रोल करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं हैकिंग की होती कैसे है। देखिए सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कि अगर एक इंसान है वो आपको कंट्रोल करना चाहता है, ठीक है, और आप कहीं पे भी हैं, तो ये इंसान आपको तब तक कंट्रोल नहीं कर सकता जब तक वो आपसे मिलेगा नहीं। इंसान का मिलना बहुत जरूरी है, इंसान का लिंक होना बहुत जरूरी है आपसे। जब तक आप कोई लिंक नहीं देंगे, कोई दरवाजा ओपन नहीं करेंगे, तो वो इंसान आपसे लिंक कर ही नहीं पाएगा। सेम चीज हैकिंग के साथ भी होती है, ठीक है ना। अब यहां पे हैकिंग में क्या होता है कि लिंक्स भेजे जाते हैं, ठीक है ना, या तो कंप्यूटर का पासवर्ड पता हो, लॉगिन क्रेडेंशियल्स पता हो, तब नहीं तो सबसे आसान तरीका यह होता है कि कोई भी लिंक भेज दिया। जैसे आपके व्हाट्सएप पे कोई लिंक आ गया, आपके जीमेल पे कोई लिंक आ गया, आपने उस पर जैसे ही क्लिक किया वो एक लिंक है, वो पूरा ऑटोमेटेड प्रोग्राम है। एकदम से सटाक से जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपका आईपी एड्रेस और पूरी यहां से हैकिंग आपके फोन की आपके कंप्यूटर की शुरू हो जाती है। पूरा प्रोसेस होता है, पूरा एक एल्गोरिथम होता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो ये लिंक्स हैं इन पे मत क्लिक करिए, जो उल्टी सीधी वेबसाइट्स हैं उन पे मत जाइए, क्योंकि यहां पे एक बार लिंक एस्टैब्लिश हो गया तो मोबाइल और कंप्यूटर्स को हैक किया जा सकता है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका जो इंफॉर्मेशन आप देते हैं, ठीक है, जैसे आधार कार्ड के बारे में भी बहुत ज्यादा चला था ना कि आधार में डेटा सेफ नहीं है। आप देखते होंगे कि जब भी आप, जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी है, जैसे एग्जांपल के तौर पे स्विगी का ऑनलाइन कंपनी है, आप उसमें सारे इंफॉर्मेशन देते हैं, आप उसमें अपनी ईमेल एड्रेस देते हैं, तो वो सर्वर पे स्टोर होती जाती है कि नहीं, तो वहां से भी डेटा लीक हो सकता है। भैया फेसबुक एनालिटिका जो कंट्रोवर्सी थी वो यही तो थी ना कि फेसबुक ने जो इंफॉर्मेशन थी वो लीक कर दी थी। और ये बहुत ही खतरनाक कंडीशन है दोस्तों, क्योंकि अक्सर हम लोग बहुत अनअवेयर है, हम लोग को लगता है कि कुछ नहीं होगा, क्या दिक्कत है। अक्सर फोन में परमिशंस आती है, आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो हमेशा ये पूछता है कि क्या हम कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं, क्या हम कैमरा को एक्सेस कर सकते हैं। तो बहुत लोग उसको यस कर देते हैं, ठीक है करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परमिशंस को थोड़ा सोच समझ के दिया करिए, क्योंकि वो सारी इंफॉर्मेशन सर्वर में स्टोर हो जाती है। कॉन्टैक्ट्स की इंफॉर्मेशन देनी होती है, कुछ कुछ ऐप्स में कैमरा की भी इंफॉर्मेशन देनी होती है, लेकिन अगर कोई फालतू की इंफॉर्मेशन मांग रहा है तो आप जरूर उसको मत दीजिएगा। सेटिंग्स में जाके अगर कुछ ऐसा है तो उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा परेशानी का सबक होता है, यहां से भी डेटा लीक हो सकता है। और एडवर्ड स्नोडन ने यहीं से ही डेटा लीक किया, ठीक है ना। कैसे किया उन्होंने, तो 2007 में जब इन्होंने डेल के साथ काम करना शुरू किया तो इनको साइबर एक्सपर्ट माना जाने लगा और एक बहुत ही जबरदस्त हैकर उस समय तक ये हो गए थे। ये बताते थे कि किस तरीके से बाहर के कंप्यूटर्स ना हैक कर पाए, वो सारे टिप्स देते थे। अब
यहां पे दोस्तों ऐसा है कि 2012 में एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के लीड टेक्नोलॉजिस्ट बने और इनको हवाई में भेजा गया। यहां से इन्होंने गड़बड़ झाला शुरू कर दिया। 22 लोगों को, 22 से 25 लोगों को इन्होंने टोपी पहनाई, ठीक है, जो एनएसए में काम करते थे। उनके पास बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, कंप्यूटर में स्टोर थी, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि एडवर्ड स्नोडेन डायरेक्टली उस कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर सकते थे, उस इंफॉर्मेशन को नहीं ले सकते थे। उस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए उनको उन लोगों की परमिशन चाहिए थी जिनके पास उनकी इंफॉर्मेशन है। तो यहां पर एडवर्ड स्नोडेन ने क्या किया कि 22 लोगों को अपने एकदम मतलब बातों में बहलाया फुसलाया और उनसे लॉग इन डिटेल्स मांग ली, ठीक है ना। अब एक बार 22 से 25 लोगों की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनके पास सारी इंफॉर्मेशन थी, एडवर्ड स्नोडेन ने जब लॉगिन क्रेडेंशियल्स ले लिए, फटाफट उन्होंने लॉगिन किया और ढेर सारी फाइलें डाउनलोड कर ली। और जब एडवर्ड स्नोडेन ने देखा कि अमेरिकी गवर्नमेंट क्या कर रही है, होश उड़ गए उनके दोस्तों। यहां पे हर किसी के इंसान पे नजर रख रही थी भैया एनएसए। आपको बता दूं, CIA और NSA मिलके काम करती हैं। हर इंसान के मोबाइल पे नजर रख रही थी, कौन इंसान क्या कर रहा है उस पे नजर रख रही थी, टेलीफोन ट्रैकिंग हो रही थी, सेलफोन ट्रैकिंग हो रही थी, फोन ट्रैकिंग हो रही थी। इवन जो एनएसए के एम्प्लॉयज थे, जो जासूस थे, जो ऑफिसर्स थे, वो अपनी पत्नियों तक पे नजर रखे हुए थे, स्पाय कर रहे थे। तो इतनी बुरी कंडीशन थी दोस्तों, तो बहुत दिक्कत है। और बाद में ये बोला भी था एडवर्ड स्नोडेन ने कि मुझे बहुत ज्यादा एथिकल डाउट है कि किस तरीके से अमेरिकन एजेंसीज जो है वो काम करती हैं। तो 2012-2013 अभी तक इन्होंने कुछ लीक नहीं किया है दोस्तों, अभी तक इन्होंने कुछ भी लीक नहीं किया है। अभी तक सारी फाइल्स इनके पास है, ये अभी इकट्ठा कर रहे हैं फाइल। इनको पता है कि अगर मैं इस समय लीक कर दूंगा तो मुझे तुरंत गिरफ्तार, मेरी तुरंत गिरफ्तारी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ इन्होंने फाइल्स इकट्ठा की है, ठीक है। लेकिन 2013 दोस्तों, मार्च 2013 आया, एडवर्ड स्नोडेन ने सब कुछ छोड़ दिया, हांगकांग चले गए। उन्होंने बोला कि मैं जा रहा हूं हांगकांग। और उसके बाद 5 जून 2013 को इन्होंने सारी इंफॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट मीडियाज को दे दी, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्जियन, जर्मनी के न्यूज़पेपर्स, ब्राजील के न्यूज़पेपर्स, फ्रांस के न्यूज़पेपर्स, पूरी दुनिया में इंफॉर्मेशन फैलने लगी कि अमेरिकन एजेंसीज कैसे काम करती हैं। क्योंकि यहां पे एडवर्ड स्नोडेन के पास सारी फाइलें थी, उन्होंने डाउनलोड कर ली थी एनएसए के सर्वर से। तो ये सारी फाइलें उन्होंने मीडियास को दे दी और जो भी मंसूबे थे अमेरिकन सरकार के, ये सारे पब्लिक कर दिए। अब दोस्तों वो बहुत लंबी कहानी है दोस्तों, वो 200-200 पेज के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मैंने खुद भी नहीं पढ़े हैं, उसमें मैं इतना नहीं जाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है तो आप देख सकते हैं। इसमें बेसिकली अगर हम इसको कंक्लूड करें तो यहां पे हर एक इंसान पे नजर रखी जा रही थी। अमेरिका और बाकी देशों से भी, बाकी देशों के भी रिश्ते काफी खटास में पड़ गए थे, क्योंकि यहां पे अमेरिका जो है ना, वो ब्राजील पे भी जासूसी कर रहा था, फ्रांस पे भी जासूसी कर रहा था। तो यहां पे एडवर्ड स्नोडेन के चक्कर में अमेरिका और दूसरे देशों के भी रिश्ते जो है वो खटास में पड़ गए। तो यहां पे लेकिन एडवर्ड स्नोडेन चुपके से 2013 में निकल गए हांगकांग। हांगकांग में होटल मीरा में उन्होंने शरण ली और उनको पता था कि अब वो अमेरिका कभी नहीं जा पाएंगे। और एक बार जब ये इंफॉर्मेशन लीक हुई तो इंफॉर्मेशन की बाढ़ आ गई। आपको बता दूं कि स्नोडेन ने जो डिस्क्लोजर किए हैं वो बहुत हैं, ठीक है ना। वो 2 लाख एनएसए डॉक्यूमेंट्स तक माने जाते हैं, 58,000 ब्रिटिश इंटेलिजेंस फाइल्स को उन्होंने पूरा डिस्क्लोज कर दिया, 15,000 ऑस्ट्रेलियन फाइल्स को उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया और 2 लाख से ज्यादा अमेरिकी फाइल्स को उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया। आपको बता दूं कि ग्रीन वॉल्ट्स ने 2014, ग्रीन वॉल्ट जो कि वॉशिंगटन पोस्ट के ही एक बहुत बड़े पद पे थे वो, तो ग्रीन वॉल्ट्स ने 2014 में एक बुक लिखी थी, नो प्लेस टू हाइड। उसमें एनएसए के ऑब्जेक्टिव थे और एडवर्ड स्नोडेन ने बहुत मदद की थी। आपको बता दूं एनएसए क्या, उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे कि कलेक्ट ऑल, हर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करो और एक्सप्लॉइट ऑल, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उनको एक्सप्लॉइट करो, प्रोसेस ऑल, सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करो, पार्टनर ऑल, सबको पार्टनर बनाओ, नो इट ऑल, और सबके बारे में सब कुछ जान जाओ। तो ये सारी चीजें थी। अब अमेरिका ऐसा करता क्यों है?
अमेरिका इसलिए करता है दोस्तों, आपको याद होगा जब भारत में भी न्यूक्लियर ये जो पूरा टेस्ट हुआ था 1975 में इंदिरा गांधी के समय में, और उसके बाद 1998-99 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, तो अमेरिका ने नजर रखे हुए था। ऐसे ही अमेरिका जो है वो हर देशों पर नजर रखता है कि क्या वो कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा जो उसके खिलाफ है, क्या किसी देश में ऐसा तो नहीं हो रहा है, क्या कोई इंसान एंटी नेशनल तो नहीं है, देश के खिलाफ एक्टिविटी नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजों को देखने के लिए अमेरिका ने ये बोला कि हर एक इंसान को पकड़ के रखो, ट्रैक कर लो, और एडवर्ड स्नोडन ने ये सबको बता दिया। तो एक तरीके से ये इलीगल है ना, तो यहां पे ये गड़बड़ झाला अमेरिका पूरा फैला के रखा था। जब दोस्तों एडवर्ड स्नोडन ने ये पूरा लीक किया, उसके बाद अमेरिका ने तुरंत 1917 का जो एस्पियोनाज एक्ट है उसके दौरान चार्जेस लगा, बहुत ही गंभीर चार्जेस लगाए। इसी एक्ट के दौरान जूलियन असांजे पे भी चार्जेस लगाए गए थे, ठीक है, और जूलियन असांजे भी 2012 में भाग गए थे, वहां पे चले गए थे, लंदन चले गए थे, वहां के फिर इक्वाडोर की एम्बेसी में रहे थे, वो मैंने पूरा कवर किया, आप देख लीजिएगा। सेम टू सेम एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ एडवर्ड स्नोडन के साथ। एडवर्ड स्नोडन पहले 2013 में हांगकांग गए, उसके बाद हांगकांग से वो गए रशिया। हालांकि यहां पे एडवर्ड स्नोडन ने 21 देशों से पॉलिटिकल एसाइलम की मांग की थी, और यहां पे चार देशों ने उनको एसाइलम ग्रांट भी कर दी थी, लेकिन वो रशिया में ही रहे, और पुतिन ने भी सपोर्ट किया इन सारी चीजों में। और हाल ही में 2017 में, हालांकि ये जो पूरा इनका एसाइलम है वो एंड हो रहा था 2017 में, इनका जो टेन्योर है, ठीक है, लेकिन फिर रशिया ने यह बोल दिया कि अभी एडवर्ड स्नोडन का जो एसाइलम है, पॉलिटिकल एसाइलम जो हमने ग्रांट किया, उसको कुछ साल हम और बढ़ा रहे हैं, और अब ये 2020 तक एक्सटेंड हो गया है, यानी कि 2020 तक तो रशिया में एडवर्ड स्नोडन रहेंगे ही रहेंगे, उसके बाद क्या होता है वो देखना पड़ेगा। और आप ये देख सकते हैं दोस्तों कितने सारे ईमेल्स और कितने सारे डॉक्यूमेंट्स एडवर्ड स्नोडन ने लीक किए, वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से ही खबर है, और यहां पे 9 लाख से ज्यादा जो डॉक्यूमेंट्स है वो लीक किए, बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों, आप देख सकते हैं ना 9 लाख, गिन के देखिए जरा, गिनने में ही कम से कम एक हफ्ते लग जाएंगे। तो ये चीज है। उसके बाद अब 2013 में जब ये हांगकांग गए, हांगकांग से फिर ये रशिया गए, रशिया पे लैंड किए, तो चार कंट्रीज ने स्नोडन को परमानेंट एसाइलम ग्रांट भी किया, इक्वाडोर हो गया, निकोरोगुआ हो गया, बोलिविया हो गया, वेनेजुएला हो गया, सब साउथ अमेरिकन कंट्रीज है दोस्तों, आपको पता ही है। अब रशिया से वैसे इनको जाना था क्यूबा, ठीक है, क्यूबा के लिए इनको फ्लाइट लेनी थी, लेकिन तभी अमेरिका ने इनका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया था, तो ये रशिया में ही रह गए, क्यूबा जा ही नहीं पाए, और इन देशों के लिए भी कोई डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं थी, तो यहां पे ये चीज थी। वैसे अमेरिका का प्लान ये था दोस्तों कि इनको रशिया में, मतलब रशिया में रोक कर ये हम कह देंगे कि एडवर्ड स्नोडन एक रशियन स्पाय है, और ये जब स्नोडन को पता चला तो बहुत दुख भी हुआ, क्योंकि मैं अमेरिका का नागरिक हूं। और बाद में एडवर्ड स्नोडन ने भी माफी मांगना शुरू किया, वहां पे बराक ओबामा से उन्होंने ये बोला था, ये रिक्वेस्ट की थी कि मैंने जो किया है ठीक है, मैं मुझ पे चार्जेस लगाइए ठीक है, और सजा का भी मैं हकदार हूं, लेकिन मुझे वापस तो आने दीजिए। लेकिन अमेरिका इस पे बहुत ज्यादा सख्त है दोस्तों, अमेरिका क्या कह रहा है कि बेटा एक बार अगर तुम वापस आए तो सीधा तुमको जेल में डालेंगे, और दोस्तों डेथ पेनाल्टी तक हो सकती है, मौत की सजा हो सकती है। हाल ही में भी जूलियन असांजे गिरफ्तार हुए, हमको देखना होगा कि उनके कैसे वो पूरी प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो वो सारी चीजें देखनी होगी। फिलहाल अभी रशिया में है एडवर्ड स्नोडन, और 2020 तक तो रशिया में रहेंगे, उससे पहले कुछ ना हो जाए, ठीक है, उससे पहले कुछ हो गया तो फिर देखना पड़ेगा। तो ये पूरा एडवर्ड स्नोडन का करियर था, संक्षेप में मैंने बताया है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा दोस्तों, इसको जरूर शेयर करिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे।